May God bless on all upon us. Hi, this is Mandal sir. In this video lecture, we are going to learn the line by line concepts of NCERT books 11th class mathematics. So in time of further reading, you need not to worry about at all. I have not done a new thing, but I have done a same thing but with a different way. If you like this video, then must subscribe my channel and share these things to your friends. Sets. This is the first chapter of NCERT Mathematics 11th class. The chapter is starting with a quotation of G.H. Hardy. Geoffrey Harold Hardy was an English mathematician. He was pioneer in number theory. In this quotation he is telling, in these days of conflict between ancient and modern studies, आज का ये conflict का जमाना है, ये modern studies का, there must surely be something to be said for a study which did not begin with Pythagoras. तो वहाँ पे एक ऐसा study होना चाहिए जो कि Pythagoras से शुरू नहीं होगा. आपको पता है Pythagoras एक ancient Greek mathematician था, तो इतना पुराना से शुरू नहीं होगा. बट अभी मॉडर्न में जो आइंस्टाइन है उसका स्टडी से भी वो ख़त्म नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो इसके बाहर भी कुछ तो है ना, वो ढूंढने के लिए यहाँ पे जी एच हार्डी बता रहा है. ये लास्ट में बता रहा है, बट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट. अब देखो, ओल्डेस्ट मतलब ये जो चीज़ कुछ चीज़ एग्जिस्ट था पहले भी प्राचीन काल में, जिसे कोई आविष्कार नहीं किया, कोई इन्वेंशन नहीं किया, लेकिन आज भी वो है ऐसा कुछ चीज़. जैसे कि ये सेट्स थ्योरी एकदम परफेक्ट हो. देखो एक बात सुनो, ये जो नंबर थ्योरी है जो कि जी एच हार्डी का स्टडी का मैटर था, वो भी जुड़ा हुआ है ये सेट थ्योरी से. ये सेट थ्योरी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो अति प्राचीन में तो ये लोग इसका इन्वेंशन कर नहीं पाया, लेकिन अभी जो आइंस्टाइन के ज़माने में जो सेट थ्योरी के बारे में भी लोग इतना जानकारी नहीं थी. तो आप चलो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स सर्व्स ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स. देखो ये इसीलिए बोल रहा है प्रेजेंट डे का मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल पार्ट है. टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सिक्वेंस, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कौन सी मैथमेटिक्स का ब्रांच में सेट थ्योरी का उपयोग होगा, जरूरत होगा. तो ये बात ये इंट्रोडक्शन में था. ठीक है, द थ्योरी ऑफ सेट्स वॉज डेवलप्ड बाई जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर 1845 to 1918. ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज. In this chapter, we discuss some basic definitions and operations involving sets. तो आपको दिखाई दिया जॉर्ज कैंटोर जर्मन मैथमेटिशियन सेट थ्योरी को इन्वेंट किया है. और आपको पता ये पास में जो पिक्चर है वो जॉर्ज कैंटोर का है, वो जी एच हार्डी का नहीं है, ये बात आप याद रखना. ठीक है, तो चलो आगे चलते. आप सीखेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, किस तरह सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या तरीका है. देखिए यहाँ पे, इन एवरीडे लाइफ We often speak of collections of objects of particular kind. हम बात करते हैं ना कभी कभी कुछ कलेक्शन के बारे में. जैसे कि देखो कलेक्शन यहाँ पे बोल रहा है, ये पैक ऑफ कार्ड्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्रिकेट टीम, ये क्या है, कुछ कलेक्शन ऑफ पीपल है. इन मैथमेटिक्स वी ऑल्सो कम अक्रॉस अबाउट कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स एट्सेट्रा. मोर स्पेशली वी एग्जामाइन द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑल्सो. तो आओ हम निरीक्षण करते हैं ये सब एग्जाम्पल को. फर्स्ट एग्जाम्पल बोल रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या क्या है, 1, 3, 5, 7, 9. अच्छा, द रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी कुछ कलेक्शन ऑफ रिवर्स हैं. द वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली ए आई ओ यू. वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 नेमली 2, 3, 5 and 7. एंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6, जैसे 2 और 3. अच्छा, वी नोट दैट ईच ऑफ द अबव एग्जाम्पल इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स.
किसी चीज़ों का कलेक्शन, मतलब हम उसे एक सर्कल के अंदर लेके एक साथ लिख सकते हैं, मतलब वो एक साथ है कलेक्शन, मतलब वो झुंड बना के है, लेकिन वो वेल डिफाइंड, मतलब उसे गिनती करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे ए ई आई ओ यू ये पांच ही है, इसीलिए वेल डिफाइंड। जैसे ऑड नंबर लेस देन 10, 1, 3, 5, 7, 9, ये है, ये भी एक डिफिनेट नंबर है, पर्टिकुलर चीज़ है ये, ठीक है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। आपको आपको दूसरे कुछ नहीं होगा, 10 से कम ऑड नंबर, देखो यहाँ पे वेल डिफाइंड इन द सेंस दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर ए गिवेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ए गिवेन कलेक्शन और नॉट। मीन्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक झुंड के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट द रिवर नाइल डज नॉट बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड द रिवर गंगा डज बिलोंग टू दिस कलेक्शन। आपको पता है रिवर नाइल मिसर का रिवर है और गंगा रिवर इंडिया का है, तो इस तरह पढ़ोगे इसको कि रिवर नाइल डज नॉट बिलोंग्स टू इंडिया बट रिवर गंगा बिलोंग्स टू इंडिया। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा वेल डिफाइंड कलेक्शन चीज़ों का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि एन से नेचुरल नंबर को पता करते हैं, आप छोटे क्लास में सीखा है नेचुरल नंबर होता है एक से लेके अनगिनत तक, इन्फिनिटी तक। जेड मतलब होता है जितनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का कलेक्शन होगा वो होता है, लेकिन वो होल नंबर होना चाहिए, जेड कहते हैं। क्यू मतलब द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जिसको पी अपॉन क्यू लिख आकार में लिख सकते हो, ठीक है, ये होता है क्यू। आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये भाई जो सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है इस बुक में, पूरा बुक में यही सिंबल को आप माना जाएगा, ठीक है। एन मतलब नेचुरल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, एट्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे अगेन द कलेक्शन ऑफ फाइव मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज द क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग ए मैथमेटिशियन एज मोस्ट रिनाउंड मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दस दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब देखो यहाँ पे जो नाम ज़्यादा सबसे बड़ा बड़ा मैथमेटिशियन कौन है, तो इसे अगर जब बोलने के लिए जाऊँगा मैं, अगर बोलता हूँ कैंटर है तो आप बताएगा नहीं सर ये डी एच हार्डी है, ठीक है, ये तो इसीलिए पर्सन टू पर्सन ये वैरी करेगा, इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जो सेट का डेफिनेशन दिया है वो बोलते हैं कि ऐसा ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये आप याद रखना होगा इसे। द फॉलोइंग पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर वन, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेम्बर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमियस टर्म्स, मीन्स ये सब एक ही चीज़ है, एक इसका अर्थ सेम है, ठीक है। सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एट्सेट्रा, ठीक है, हमेशा आप कैपिटल लेटर ही इस्तेमाल करोगे सेट को डिनोट करने के लिए। बट तीन नंबर में बोल रहा है द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक्स वाई जेड एट्सेट्रा। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। द ग्रीक सिंबल एप्साइलॉन इज यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू, दस वी राइट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए कैपिटल ए, वी राइट बी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड रीड बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मैं यहाँ पे एक आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मानो कि ए इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से वन से इन्फिनिटी तक होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू फाइव, क्योंकि फाइव एक नेचुरल नंबर है, लेकिन वन अपॉन फाइव इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सो हम लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू वन अपॉन फाइव। नाउ सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड बाय व्हिच यू कैन रिप्रेजेंट द सेट। नंबर वन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और नंबर टू सेट बिल्डर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा होगा सारे एलिमेंट को आपको लिस्ट बनाना है, सारे एलिमेंट का लिस्ट बनाना है, एंड ये एलिमेंट क्या करना होगा आर सेपरेटेड बाई ए कॉमाज, तो उस कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, तो ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसा, एंड आर इनक्लोज इन ए सेकेंड ब्रैकेट, मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसे इनक्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैज़ लेस देन सेवन इज डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म एज इन कर्ली ब्रैकेट
2, 4, 6 ब्रैकेट क्लोज्ड। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट इन रोस्टर फॉर्म आर गिवन बिलो। देखो क्लियर बात है, पहले एक कर्ली ब्रैकेट लगाओ, मतलब सेकेंड ब्रैकेट लगाओ। अब मानो कि कोई भी सेट लिखना चाहते हो, जैसे कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, तो ऐसा करके कॉमा कॉमा दे के लिखने का नाम है क्या, रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे और भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 42 इज 1, 2, 3, 6, 7, 13, 21, 42 एटसेट्रा। मतलब वेल डिफाइंड ये वाला ऑब्जेक्ट है जो 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 ये सारे नंबर 42 को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, वो नोट में बोल रहा है कि इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन व्हिच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेटेरियल, दस द अबव सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1, 3, 7, 21, 2, 6, 14, 42। ये पिछले वाला जो एग्जांपल में आपको दिखाया गया था कि 42 को डिवाइड कर देने वाला को नंबर का नाम लिखो एक सेट के हिसाब से जो कि वेल डिफाइंड है ना, तो इसीलिए उस टाइम में आप जो नंबर लिखा था वो सीरियली लिखा था। अगर मैं सीरियली नहीं लिखता हूँ वो ये मैटर नहीं करते, मतलब इसीलिए बोलते इमेटेरियल। ठीक है, आप जैसे वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो बी नंबर का एग्जांपल दिया है तो मैंने बता ही दिया, और सी नंबर में देखो द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इन द कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 5, ... ये डॉट डॉट साइन आप दे सकते हो सेट के अंदर, मतलब इसमें से ये डिनोट किया जाता है कि सारे ऑड नेचुरल नंबर ऐसा चलते ही रहेगा इनफाइनाइट तक। अब नेक्स्ट नोट देखते हैं क्या लिखा है। इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एनी एलिमेंट जनरली नॉट रिपीटेड, ओके, ऑल द एलिमेंट आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। देखो यहाँ पे स्कूल में दो ओ है, तो आपको यहाँ पे रिपीट करने का जरूरत नहीं इस ओ को, सिर्फ एक बार लिखने से हो जाएगा। याद रखना हम सेट ये जो रोस्टर फॉर्म में हम कभी भी चीज़ों को रिपीट नहीं करते। नोटेड दैट द वाइल राइटिंग इन द रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, ठीक। और इसे आपको ऑर्डर में लिखने का भी जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो एच ओ एल सी एस। अब हम डिस्कस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। देखो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पॉजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, एक एक सेट एक एक प्रॉपर्टी को मानते हैं, मानो कि सारे नेचुरल नंबर डेफिनेटली इसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अब बता रहे हैं कि ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है ये विच इज़ नॉट पॉजेस्ड बाई एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड द सेट। फॉर एग्जाम्पल इन द सेट ए ई आई ओ यू ऑल द एलिमेंट्स पॉजेज ए कॉमन प्रॉपर्टी, नेमली ईच ऑफ देम इज ए वॉयल इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड नो अदर लेटर्स पॉजेज द प्रॉपर्टी डिफाइनिंग दिस सेट बाई वी। वी राइट v equal to x such that x is a vowel in English alphabet. It may be observed, ये देखा गया है that we describe the element, जब हम element को describe करते हैं of the set का element को जब describe करते हैं by using a symbol x। देखो यहाँ पर symbol x इस्तेमाल किया है हमने, ठीक है, आपने इसके जगह दूसरा y भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा ये किस तरह लिखना है, इस एक्स को इज फॉलोड बाय ए कोलोन, तो एक्स के बाद एक कोलोन देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मार्किंग होना है, वहाँ पे कोलोन है वहाँ पे, ठीक है। देन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पॉजेस्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। उसके बाद देखो मैंने वही लिखा हुआ है कोलोन के बाद, कोलोन को ऐसा करके पढ़ना है सच दैट, कोलोन मतलब सच दैट एक्स, उसके बाद कोलोन को पढ़ेंगे सच दैट एक्स इज ए वॉयल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, ये एक्स का प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को लिखना। एंड देन इनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन द ब्रैकेट्स। अब ये जो डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया, अब इसे देखो कर्ली ब्रैकेट दिए वहाँ पे इनक्लोज कर दिया, मतलब पूरा कर दिया, इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे जो ब्रैकेट है इट स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ ऑल, और जो कोलोन है उस कोलोन को इस तरह पढ़ोगे सच दैट। और भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक सेट दुआ है, उसका नाम है ए, तो यहाँ पे इसको इस तरह पढ़ेंगे ए इक्वल टू, इस ब्रैकेट को पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स,
उसके बाद लिखा हुआ है एक्स, वही कोलोन को पढ़ेंगे सच दैट, तो इस तरह हो गया ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 3 और 10। तो ये एक्स ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10, इसका मतलब ही तो होता है इज एक्स लाइज बिटवीन 3 और 10। तो देखो ये ब्रैकेट के क्लोज हो गया, इसको पढ़ लिया मैंने, ये कंप्लीट हो गया। और इसको बाद इसे पढ़ने का तरीका भी आपको बता दिया, आप खुद पढ़ लो इसको। अब तो आपको पता चलेगा 3 और 10 के अंदर जो जो नंबर होगा आपको बोलना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो 3 एग्जांपल दिया है, 3 सेट ए बी सी का, वो पहले आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा चुका था, लिख चुके थे इसे, तो आप इसे क्या करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 42। ये एग्जांपल अपने पिछले कर चुके हो इसे, ठीक है, इसे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो आपने सब कुछ सीख लिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेट किसे कहता है ये सीखा, सेट किस तरह दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे भी सीख लिया, ठीक है, सेट का एलिमेंट सीख लिया। तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़। अब देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसे देखते हैं किस तरह क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इजिकल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा इसको एक्स इजिकल टू 1 और -2। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द रोस्टर फॉर्म, एक सेकेंड ब्रैकेट के देखे उसके 1, -2, यही रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है ये। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, राइट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो जिसका स्क्वायर करने के बाद आपको 40 से कम आना चाहिए, तो डेफिनेटली वो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 6 का, इसका सबका स्क्वायर करके देखो वो 36 से ये 40 से कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 6 का स्क्वायर 36 वो 40 से कम, 4 का स्क्वायर 16 ये 40 से कम, ऐसा करके इसका आंसर करना है, लिखने का तरीका ये है। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 एट सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका आपको बताएं, आपको ये ऐसा करके लिखना है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स, अब एक्स का प्रॉपर्टी लिखना है। आप यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी दिख रहे हो, देखो इस 1, 4, 9, 16, 25 ये क्या है, सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो स्क्वायर होते वो है, मतलब नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वही ए का वैल्यू है। तो आप इसे लिख सकते हो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स और एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या फिर इसे इस तरह भी लिख सकते हो एक्स इज ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब ये स्मॉल एन का जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर का बिलोंग्स करते हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो। या अभी अच्छी तरह इसे याद रखना है, दूसरा बात इसे बार बार प्रैक्टिस करना है लिखना, तो आपको आसानी से ठीक हो जाएगा ये। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में बोल रहे हैं, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर दिया हुआ है 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 6, 6 अपॉन 7। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी देखो, अगर नंबर एन तक चले जाएगा ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके एन तक चले जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा। मतलब देखो 1 के नीचे 2 है, 2 को 1 प्लस 1 लिखा जा सकते हैं, 2 के नीचे 3 है, 3 को 2 प्लस 1 लिखा जा सकते हैं, 3 के नीचे 4 है, 4 को 3 प्लस 1 लिखा जा सकते हैं। तो एन अपॉन एन प्लस वन लिखा जाएगा। तो हम जब लिखेंगे तो उसके लिए जो बिल्डर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स कैपिटल एन। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक मैचिंग है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपका रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। जो 1, 2, 3, 4 रोमन वर्ड में लिखा हुआ है ये है रोस्टर फॉर्म और ए बी सी डी जो लिखा है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब प्रिंसिपल का जो ये जो वर्ड है वो प्रिंसिपल वर्ड का जो अल्फ़ाबेट से पी को दोबारा नहीं लिखा, सिर्फ एक बार ही लिखा है, इसे रिपीट नहीं किया, आपको हमने बताया था यहाँ पे डिस्कशन में सेट में रिपीट नहीं होता है, एक बार लिखने से चल जाते। तो फास्ट के साथ डी आंसर राइट होगा, ठीक है,
सेकेंड का जीरो बताया है तो आपको सी में मिल जाएगा। दी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो एक्स इजिकल टू जीरो हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। 1, 2, 3, 6, 9, 18 ये सारे 18 का फैक्टर से, सो ये ए के साथ मिल जाएगा। और 3 और माइनस 3 जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो, इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इसी के साथ साथ हमने इस वीडियो में आपको पूरी तरह सेट का जो एलेसन 1.1 सॉल्व करने के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए इसमें मिल गया आपको। अब वीडियो को अच्छी तरह अगर देख चुके हो तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसी के आशा के साथ वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगते, और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।